हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं गैलेक्सी बड्स लाइव का एप्पल एयरपॉड्स प्रो के साथ। पर तू जानते ना, तेरा बाप भाई है। सो विदाउट एनी फर्दर डूज और डिलेस, लेट्स सेट द बॉल रोलिंग। सबसे पहले कंपैरिजन में आप ध्यान से देख लो, मेरे पास कॉपर कलर के गैलेक्सी बड्स लाइव हैं और दूसरी तरफ एप्पल एयरपॉड्स प्रो हैं, जो कि कंपैरिजन अगर आप कहोगे नहीं बनता तो आई वुड लिटरली से कि फीचर सेम है बट एप्पल पैसा बहुत चार्ज करता है। तो एप्पल का एयरपॉड्स प्रो नियर टू द रेंज ऑफ 20,000 आ रहा है। ऑन द अदर हैंड गैलेक्सी बड्स लाइव इज अवेलेबल इन द मार्केट जस्ट फॉर अ प्राइस टैग ऑफ 4,300 टू 5,000 रुपीज। कंपैरिजन आज प्राइसेस में नहीं है, लेकिन एक टाइम पे जब ये लॉन्च हुए थे तो गैलेक्सी बड्स लाइव कहीं ना कहीं 10,000 रुपए की प्राइस रेंज में था, और कुछ ऐसे वाकई में फीचर्स हैं जहां पर गैलेक्सी बड्स लाइव बीट कर देता है एप्पल एयरपॉड्स प्रो को। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कंपैरिजन वीडियो बनाई जाए और आपके सामने लाया जाए। तो सबसे पहले बात करता हूँ डिजाइन की। देखो, यहाँ पर बात ये आती है, गैलेक्सी बड्स लाइव जो है ये इन ईयर ईयरबड्स टाइप के हैं, तो ग्लॉसी, लेकिन ऐसी कोई रबर टिप वगैरह नहीं है इसमें, ना सिलिकॉन की टिप है जो कि एयरपॉड्स प्रो में देखने के लिए मिलती है। एयरपॉड्स प्रो के तरफ बाहर एक छोटी सी डंडी आपको निकलती हुई दिखाई देगी, जो एयरपॉड्स प्रो के बाहर का टिप है। वहाँ पर प्रेशर कनेक्टिविटी सेंसर्स हैं, तो ऊपर करो तो आवाज़ तेज़ हो जाएगी, नीचे करो तो आवाज़ कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड गैलेक्सी बड्स लाइव में 3 बार अगर आप टैप करते हो तो म्यूज़िक नेक्स्ट वाला प्ले होगा, 2 बार टैप करने पर पिछला वाला म्यूज़िक प्ले होगा। दबा के रखोगे राइट वाला पैड या फिर ईयर पॉड तो आवाज़ तेज़ हो जाएगी, और अगर लेफ्ट वाला ईयर पॉड दबा के रखोगे तो आवाज़ कम हो जाएगी। इस वीडियो को देखने वाला कोई भी बंदा जानता होगा कि एयरपॉड्स प्रो और गैलेक्सी बड्स लाइव के बीच में डिफरेंस कितना है, और जो लोग 50 रुपये का ईयरफोन लगा के वीडियो देख रहे हैं, खैर आई एंटिसिपेटेड, एक तरफ 25,000 के एयरपॉड्स प्रो, दूसरी तरफ 5,000 रुपये के गैलेक्सी बड्स लाइव, कंपैरिजन बनता है। सबसे पहले बात करता हूँ इसके हाइलाइटेड फीचर की, जो एयरपॉड्स प्रो में आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाएगा, वो है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन गैलेक्सी बड्स लाइव में है बट वो इतने अच्छे नहीं है, थोड़ी बहुत नॉइजेज आपको सुनने को मिलेगी, जबकि आप अगर एयरपॉड्स प्रो लगाओगे तो एकदम वैक्यूम वाली फीलिंग मिलती है, लगता है आसपास की दुनिया से आप एकदम कट गए हो। तो कहीं ना कहीं इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, लेकिन मुझे गैलेक्सी बड्स लाइव पर्सनली इसलिए पसंद आया कि कई बार बाइक के हेलमेट के नीचे या फिर लगा कर भी रखा तो आसपास की थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, और बहुत ही मिनिमल आवाज़ को ये काट देता है। तो अपने प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि एयरपॉड्स प्रो आप खरीदोगे या फिर आप गैलेक्सी बड्स लाइव खरीदोगे। एयरपॉड्स प्रो खरीदने का एक फ़ायदा और भी है, एप्पल अपने वेबसाइट पे सभी उन यूज़र्स के लिए जो है एयरपॉड्स प्रो खरीदना चाहते हैं एनग्रेविंग की एक फीचर्स देता है, यानी कि आप उसके ऊपर लिखवा सकते हो माई नेम इज़ एंथनी गोंसाल्वेस डब्बे के ऊपर। लेकिन ऐसा कोई भी फीचर अभी तक सैमसंग ने नहीं दिया है अपने किसी भी टैबलेट पे या किसी भी डिवाइस पे जहाँ पर आप कुछ ना कुछ इंग्रेव करवा पाओ, तो एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता आपको अपने डिवाइस के साथ, जो कि एप्पल दे देता है। मुझे ये फीचर काफ़ी पसंद है और मैं चाहता हूँ ये फीचर सैमसंग भी कॉपी करे, बट टिल द डेट सैमसंग ने कॉपी नहीं किया। ये डील ब्रेकर फीचर नहीं है बट स्टिल, ये मुँह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बात करते हैं गैलेक्सी बड्स लाइव की, तो गैलेक्सी बड्स लाइव आसानी से पेयर तो हो जाते हैं एयरफोन आईफोन के साथ, इसके मुंह में पैदाइशी सुपर ही है। लेकिन चैलेंज एक ये है कि जो आपके एयरपॉड्स प्रो हैं वो नहीं पेयर हो पाते एंड्रॉयड में, और पेयर होने के बाद सारे फीचर्स नहीं देते, तो देयर स्टिल रिमेन सम डिसएडवांटेजेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर डिवाइस और यूजर इंटरफेस। तो अगर आप एंड्रॉयड में हो तो आप हमेशा ये कंसिडर करना कि गैलेक्सी बड्स लाइव ले लूँ, अगर आप एप्पल में हो तो आप हमेशा ये कंसिडर करना कि एयरपॉड्स प्रो ले लूँ। ग्रिप और फील की बात करूं तो एक बात सीधी सीधी ये बता देता हूं कि जेब में डालने के बाद ये दोनों के दोनों डिवाइसेस कुछ ऐसी जेब से निकालते हुए लगते हैं ना कि उभरी उभरी सी जेब लगती है, कि अगर आपने जीन्स वगैरह में से पहन लिया तो सामने वाला बंदा एक बार नीचे जीन्स की तरफ देखेगा कि ये क्या निकल रहा है। आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, बस मैं बोलना नहीं चाह रहा। तो अपने डेली यूज़र एक्सपीरियंस में मैंने कई बार क्या किया है, बड्स के डिब्बों को घर पर रखा है और सिर्फ बड्स पहन के बाहर गया हूँ। हाँ, बड्स लूज़ करने की कैपेसिटी या कुछ चांसेस ऐसे रहते हैं, बट स्टिल मैंने इतना छोटा सा रिस्क ले लिया, एटलीस्ट लोग पॉइंट आउट तो नहीं करते ना। दोनों बॉक्सेस के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इनसे अगर आप टाइट फिट आउटफिट जीन्स में पहन के चल रहे हो, किसी भी ऐसे अटायर में जो टाइट है उसमें डाल के चल रहे हो, तो ये काफ़ी हद तक बॉक्सेस बल्ज करते हुए बाहर दिखाई देते हैं।
ऑडियो एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं जिसके लिए आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हो। तो मैं आपको सीधा बताऊं, बड्स लाइव में बेस ज़्यादा अच्छा है एयरपॉड्स प्रो से, लेकिन एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन मुझे एयरपॉड्स प्रो की ज़्यादा पसंद आई। डिटेल्स सॉन्ग्स में ट्रेबल और उसके बाद जो एक खनक है वो बड्स लाइव में ज़्यादा अच्छी है। एयरपॉड्स प्रो साइलेंट से, या फिर साइलेंट तो नहीं, इन द सेंस थोड़े काम से फील हुए, उतना ज़्यादा म्यूज़िक एन्जॉयमेंट एयरपॉड्स प्रो में देखने के लिए नहीं मिल पाया। ऑल दो चिपसेट है, और जो चिपसेट एप्पल ने यहाँ पर यूज़ किया है थैंक्स टू दैट, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छी हो गई। इक्वलाइजर्स वगैरह की सेटिंग इन्होंने काफ़ी दे दी, 360 डिग्री सराउंड साउंड दे दी, बट स्टिल बड्स लाइव की साउंड ज़्यादा लाउड है और कहीं ना कहीं ज़्यादा क्रिस्प लगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चार्ज होने के लिए बड्स लाइव को करीब 2 घंटे का टाइम लग जाता है 15 वॉट के चार्जर से, वहीं पर एयरपॉड्स प्रो रिवर्स रिव्यू हो गया पॉसिबल तरीके से भी चार्ज हो जाते हैं, आप फ़ोन के पीछे रख के इसे चार्ज कर सकते हो, लेकिन एयरपॉड्स प्रो भी लगभग इतना ही टाइम ले लेते हैं। और बैटरी लाइफ एयरपॉड्स प्रो की ज़्यादा अच्छी लगी, मैंने आवर टू आवर काउंट नहीं किया, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि 2 दिन से ज़्यादा बैटरी लाइफ मेरे यूजुअल एक्सपीरियंसेस में, जहाँ पर मैं करीब हर दिन सुन लेता हूँ अच्छा खासा म्यूज़िक लेक्चर्स वगैरह सब, तो बड्स लाइफ की बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जितना एयरपॉड्स प्रो की है। तो वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आप एयरपॉड्स लेना चाहते हो तो यू मस्ट बी फ्रॉम द एप्पल बैकग्राउंड, एप्पल बॉय और गर्ल, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर द बड्स लाइफ देन डू कंसिडर इट ओनली वेन यू आर फ्रॉम एंड्रॉइड होम और फ्रॉम सैमसंग होम, तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। टिल देन बॉयज एंड गर्ल्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।